हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट एंड जेनपैक्ट की जॉब के बारे में बताया था, तो अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी जरूर देखना। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको और भी कंपनीज के लिंक मिलेंगे, अगर आपने उनके लिए अप्लाई नहीं किया है तो उनके लिए भी अप्लाई करना, काफी लिंक अभी भी एक्टिवेट है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको वॉलमार्ट की एक जॉब के बारे में बताऊंगा जिसके लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बताऊंगा आपका ये जॉब में क्या जॉब रोल होने वाला है, क्या जॉब लोकेशन होने वाली है, कौन कौन इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह लेटेस्ट जॉब इंटर्नशिप्स एंड फ्री कोर्सेज विद सर्टिफिकेट की वीडियोस मिलती रहती हैं। तो चलिए बात करते हैं वॉलमार्ट की जॉब के बारे में। सो फ्रेंड्स, वॉलमार्ट आपकी एक बहुत अच्छी कंपनी है, अगर आपका इस कंपनी में सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। बात करें जॉब की तो इसके लिए आपको वॉलमार्ट की जॉब से रिलेटेड वेबसाइट पर आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये जॉब रोल देखने के लिए मिलेगा। नीचे आपको यहाँ पे इस कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, जिसे आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ रियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बताया है कि आपको यहाँ पे एक टीम मिलेगी जिसमें आपको कोडिंग का काम मिलने वाला है। आपको यहाँ इस जॉब में बेसिकली डाटाबेस, मोबाइल डेवलपमेंट एंड क्लाउड का काम भी करना होगा। बात करें जॉब के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो अगर आपकी बैचलर या मास्टर डिग्री होने वाली है कंप्यूटर साइंस या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, लाइक अगर आप बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी, एमएससी, बीवॉक, एमवॉक कर रहे हो कंप्यूटर साइंस या किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड से, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपकी ग्रेजुएशन 2021 में होने वाली है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका सीजीपीए स्कोर 7 या 7 से अबव होना चाहिए ऑल सेमेस्टर्स में। आपको बेसिक कंप्यूटर साइंस सच एज डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिजाइनिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड आपको सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए। साथ ही आपको रिलेशनल डाटाबेस की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आपको इन सबकी नॉलेज है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें जॉब लोकेशन की तो वो आपकी चेन्नई होने वाली है। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई का एक बटन देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आएगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना रिज्यूम अपलोड करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट नेम डालना है, अपनी ईमेल आईडी डालनी है, अपना फोन नंबर डालना है, अपनी करंट लोकेशन मतलब अपना एड्रेस डालना है। एंड अगर आप इससे पहले किसी और कंपनी में जॉब करते तो आपको यहाँ पे उस कंपनी का नाम डालना है, बट अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे एनए भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है, देन आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो जॉब के लिए सबमिट हो जाएगी। एंड आगे का जो भी प्रोसेस होगा लाइक इंटरव्यू वगैरह, वो आपको आपकी मेल के थ्रू बता दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं और आपकी बैचलर या मास्टर डिग्री होने वाली है तो आप इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करना। इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करना, एंड अप्लाई करने में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, एंड टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।